ओम शांति। अभी अभी आप सभी ने हमारे प्यारे परमपिता परमात्मा का परिचय सुना, लेकिन जब भी हम कोई व्यक्ति का परिचय सुनते हैं, एक लेवल का परिचय होता है, नाम, स्थान, कर्तव्य। दूसरा लेवल का परिचय होता है उसकी पर्सनालिटी, उसकी एनर्जी की क्वालिटी, नहीं वो भासना आती है वो व्यक्ति से। तो आपको परमपिता परमात्मा से कौन सी भासना आएगी? वो प्यार का सागर है, शांति का सागर है, नॉलेज का, ज्ञान का सागर है और अति पवित्र है। परमात्मा की ऐसी एनर्जी है जो बिल्कुल साफ, क्लीन, प्योर। परमात्मा को कोई नेगेटिव विचार आएंगे क्या? आपको कोई भी बदबू तो परमात्मा से तो आएंगी नहीं ना। अभी हमको उस मंजिल तक पहुंचना है कि हम परमपिता परमात्मा से संबंध रखें, तो उसके लिए क्या चाहिए? तो पहला क्वालिफिकेशन चाहिए कि खुद की मनसा को हम पॉजिटिव रखें। देखो, हमारे मन में इतने सारे विचार चलते रहते हैं सारे दिन पे, और जो विचार होते हैं, हम ज्ञान मार्ग में एक शब्द, बहुत अच्छा शब्द यूज करते हैं, संकल्प, थॉट। तो हमारे जो संकल्प होते हैं वो, उसके पीछे एक एनर्जी होती है। नेगेटिव संकल्प होता है तो इसके पीछे नेगेटिव एनर्जी होती है ना, कई काम या क्रोध या लोभ या मोह, कई प्रकार की एनर्जी होती है। पॉजिटिव संकल्प होता है तो इसके पीछे क्या होता है? कई गुणों की खुशबू होती है, शुभ भावना होता है, शुभकामना होती है। तो हम बहुत कोशिश करते हैं हमारे जीवन में कि हमारे संकल्प या विचार पॉजिटिव रहे, हमको नेगेटिविटी से दूर रहना है, लेकिन कभी कभी वो अभ्यास में हम फेल भी हो जाते हैं ना। हम अपने आप से बातें करते रहते हैं, चलो मैं ये हूं, मैं ये हूं, लेकिन इसके पीछे जो एनर्जी है वो बदलती नहीं है। हमारे संकल्पों में भी इतने वैरायटी होते हैं। आप देखो, एक प्रकार का आपका संकल्प है वो तो डेफिनेटली सभी जानेंगे, पूरे नेगेटिव की क्वालिटी के, कामी, क्रोधी, किसके ऊपर वार करना, किसके साथ नफरत करना, जेलसी के संकल्प, कंपैरिजन के संकल्प, एक दोनों के बीच में कंपेयर करना या किसी की गिलानी करना मन से, इतने सारे, इसने क्या किया, उसने क्यों किया, उसने कैसे किया, ये एक लेवल के संकल्प होते हैं। और इन संकल्पों से जो एनर्जी बनती है वो आपकी मन की शक्ति को खत्म करती है, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? ऐसे विचार और संकल्प किया जाए जो हमारी मनसा की शक्ति बढ़े। अभी कौन से संकल्प आपके हाथ में है जो उस संकल्प या विचार से आपकी मानसिक एनर्जी बढ़ती है, ये देखना है। अब पूरे सारे दिन के लिस्ट, थॉट्स की लिस्ट चेक करो, कई ऐसे विचार होंगे जिससे एनर्जी बनती है, बहुत थोड़े विचार होंगे वो। ज्यादातर ज्यादा जो आपके संकल्प और विचार है उनसे आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है। आपने ज्यादा कुछ किया भी नहीं है दिन में, लेकिन दिन के अंत में फीलिंग आएंगी, मैं थक गई हूं, अभी मुझे और कुछ सोचना नहीं है, अभी छोड़ दो। सही बात है ना? तो इसमें हमको बहुत एक प्रकार की संकल्प की मैनेजमेंट चाहिए। पहला है तो पूरा फुल स्टॉप रखना है नेगेटिव संकल्पों को। देखो, आपके घर में
कोई कीचड़ा फेंके तो आप क्या करेंगे? सफाई करेंगे ना? फिर कल उठ के दोबारा कोई कीचड़ा फेंके तो क्या करेंगे? दोबारा सफाई करेंगे ना? तीसरी बारी कोई करेगा तो आप उसके पास जाके बोलेंगे, आप ये नहीं मत करो, मेरे घर में आप क्यों कीचड़ा फेंक रहे हैं, ऐसे बोलेंगे ना? और आप पूरा कोशिश करेंगे कि वो कर्तव्य बंद किया जाए। तो सेम प्रिंसिपल, आपका मन जो है वो एक घर है, एक कमरा है, तो आप कीचड़े को अंदर क्यों अलाउ कर रहे हो? कीचड़े वाली बात को क्यों अंदर अलाउ कर रहे हो? ये आपकी गलती हुई, किसी और की गलती नहीं है। तो नेगेटिव संकल्प या विचार को जिसके पीछे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की एनर्जी है, उसके लिए दरवाजा बंद है, नो एंट्री साइन लगा दो। सिंपल बात है, उस ट्रैक पे जाना ही नहीं है। अभी दूसरा लेवल संकल्पों का, और वो है हमारे जो साधारण संकल्प, हम इंग्लिश में कहेंगे ऑर्डिनरी थॉट्स। वो संकल्प वो है कि समझो आपकी कोई दिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप माता हो, बच्चों की संभाल करनी है, चाहे आप बिजनेसमैन हो, आपका कोई प्रोजेक्ट है, कुछ कमाई करनी है, जिस प्रकार का आपका रोल है जीवन में उस प्रकार से तो आपकी बुद्धि चलेंगी ना। मुझे ये करना है, ये करना है, बच्चों को स्कूल से लेकर के घर पे ले आना है, चलो मुझे ये बिजनेस में डेडलाइन है या पढ़ाई में मुझे ये करना है। ये भी संकल्प, इस लेवल के संकल्प टू मच होते हैं ना तो मन को एक भारीपन होता है। तो साधारण संकल्प, ये संकल्प जरूरी है, क्योंकि जो जीवन भर में हमारा जो रोल है, हमारी जो ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए थोड़े संकल्प तो रचने होते हैं, ज्यादा नहीं। कई लोग तो ऐसे हैं, सारा दिन मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है, सोच सोच करके ही थक जाते हैं। अरे भल करना है तो पूरा लिस्ट बनाओ, क्या करना है और शुरू करो। 10 संकल्प क्यों रचते हो एक कार्य के लिए? सिंपल बात है ना। तो ये जो एक्स्ट्रा संकल्प हम करते हैं वो भी एक मन के ऊपर एक बोझा बनता है, बर्डन बनता है। फिर तीसरा लेवल, और वो है व्यर्थ संकल्प, जो संकल्प आवश्यक नहीं है। ज्यादातर ज्यादा देखा जाए तो 70% के जो हमारे संकल्प या विचार है वो आवश्यक नहीं है। समझो आप ट्रेन या बस में बैठे हैं, आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा है और वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, और आप उसके ऑपोजिट बैठे हैं, तो जैसे वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो आप क्या कर रहे हो? उसके पीछे का जो न्यूज़पेपर है वो आप पढ़ रहे हैं ना। कभी कभी हम ट्रेन में बैठे होते हैं, आंखें इस तरफ जाती है, इसने क्या पहना है, इसके जूते कैसे हैं, इसकी हेयर स्टाइल कैसी है, इसके कपड़े कैसे हैं। आप यहां पर भी बैठे हुए आपकी मनसा बाहर होंगी, अभी खाने का टाइम है, भूख लगी है थोड़ी, नहीं होगा ना? ये मन की एक विशेषता है कि कभी कभी एक जगह पर टिक करके बैठेंगी नहीं, घूमता रहेगा, अपना खुद की शॉपिंग कर लेगा, यहां जाकर के इसको देखो, उसको देखो, इसका विचार करो। अरे इसमें आपका क्या जाता है? इसको हम कहेंगे वेस्ट थॉट्स, व्यर्थ संकल्प। और क्या है, जैसे कोई पानी का ग्लास में लीकेज होता है ना, होल होता है, धीरे 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 हमारी एनर्जी ड्रेन होती जाती है, फिर हमको पता नहीं चलता है, हमको थकान क्यों आती है, मूड ऑफ क्यों हो जाता है, व्यर्थ संकल्प के कारण। चिड़चिड़ापन क्यों आता है, व्यर्थ संकल्प के कारण। क्योंकि जब आत्मिक शक्ति नहीं होती है तो अंदर से सब कुछ जैसे अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों लेकिन कुछ अच्छा नहीं लगता है, व्यर्थ संकल्प के कारण। व्यर्थ जो संकल्प होते हैं वो शरीर के बैलेंस को भी अफेक्ट करते हैं। तो जो छोटी छोटी बीमारियां, समझो आप अभी माउंट आबू जाएंगे, ऊपर देखेंगे तो माउंट के ऊपर चढ़ना होता है ना, तो बीच बीच में वो अंदर से घबराहट होंगी,
या कुछ चक्कर आएगा, ये शरीर का जो बैलेंस है वो अफेक्ट हो रहा है। सारे पूरे जो हमारे डिजीजेज है दुनिया में, हम इंग्लिश शब्द कहेंगे साइकोसोमेटिक, माना उसका बीज है हमारे कॉन्शियसनेस में, हमारे अपने अंदर संकल्प या विचार में। इसीलिए बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर चौथा सब्जेक्ट आया, चौथा लेवल आया संकल्पों का, पॉजिटिव संकल्प। अभी आप अभी बैठ करके चेक करो, सारे दिन भर में कितने पॉजिटिव संकल्प क्रिएट किए आपने, कितने संकल्प क्रिएट किए जिसके पीछे एक शुभ भावना है किसी के प्रति, एक शुभ कामना है किसी के प्रति। वो संकल्प इतने मीठे होते हैं, एक संकल्प से ही जैसे मन तृप्त होता है। नहीं, कभी कभी अंदर से अच्छी शुभ भावना पैदा होती है तो आपको अंदर से इतनी अच्छी फीलिंग आती है ना, आती है ना, नहीं, किसी के प्रति एक अच्छा गुड विश रखे तो आप खुद आपको एक प्रकार की संतुष्टता महसूस होती है। तो हम हमारे संकल्पों के द्वारा हम खाली हो जाते हैं और संकल्पों के द्वारा हम तृप्त होते हैं। तो संकल्पों का मैनेजमेंट जरूर चाहिए। साइंस द्वारा, विज्ञान द्वारा कहा जाता है कि सवेरे के समय जब भी आप उठो तो जो पहले जो 10 मिनट है, जैसे आंख खुलती है उसके बाद जो पहले पहले जो भी आप संकल्प या विचार करेंगे, वो 10 मिनट के अंदर वो संकल्प या विचार आपके पूरे दिन भर अफेक्ट होगा। इसका इतना महत्व है। तो आप सुबह को जब उठते हो तो कौन से विचार लेकर के उठते हो? पास्ट के विचार, या सारे दिन में क्या करना है उसके विचार, या लोगों के साथ जो संबंध है, किसी की याद आई है? तो वो जैसे विचार शुरू होंगे वो पूरी लहर आपके सारे दिन पर चालू रहेंगे। या सुबह को जब हम उठते हैं, परम पिता परमात्मा के विचार, हमारी खुद की अच्छाई के विचार, एक दुनिया के लिए एक प्रेम वाली विचार, एक शांति के विचार, आप ये ट्रायल करो थोड़ा। सुबह जैसे आप उठो सिर्फ 10 मिनट अभ्यास करो, सबसे अच्छे से अच्छे विचार उसी समय क्रिएट करो और आप देखो पूरा सारा दिन आपका मूड, आपकी जो मानसिक वृत्ति इतनी अच्छी रहेगी। एक बहुत सिंपल अभ्यास है लेकिन इसके ऊपर ध्यान चाहिए, क्योंकि संकल्प ऐसे वैसे नहीं आते हैं, ऐसे बाहर से नहीं आते हैं संकल्प। संकल्प और हमारे जो विचार है वो एक आत्मा की क्रिएशन है। अभी कई बारी हमको पूछा जाता है कि मेडिटेशन या योग का क्या संबंध है संकल्पों के साथ, हम क्यों मेडिटेशन करें? हम सारा टाइम पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे तो हमारा लाइफ तो बदल जाएगा ना। लेकिन लोग बहुत कोशिश करते हैं पॉजिटिव रहने के लिए लेकिन हो नहीं पाता है। तो मेडिटेशन एक ऐसा अभ्यास है जो हम ना सिर्फ संकल्प के ऊपर काम करते हैं लेकिन संकल्प के पीछे जो एनर्जी होती है उसको परिवर्तन करते हैं। क्योंकि जब तक आपकी अंदर की एनर्जी परिवर्तन नहीं हुई है तब तक आपके संकल्प भी परिवर्तन नहीं होंगे। चलो थोड़े समय के लिए आप जैसे अपने आप को इंजेक्शन दे देंगे, मैं अच्छा हूं, मैं कर सकता हूं, मैं यहां जा सकता हूं, जैसे कोई कमजोर आदमी होता है ना उसको इंजेक्शन दिया जाता है थोड़े समय के लिए, तो थोड़े समय के लिए वो अपने आप को शक्तिशाली समझता है। लेकिन जब वो आप संकल्प स्टॉप करेंगे ना तो वापस क्या होंगे, वो कमजोरी की फीलिंग्स वापस आ जाएंगे। नहीं, तो इसीलिए मेडिटेशन एक ऐसा अभ्यास है जो हम बिल्कुल संकल्प के पीछे जो एनर्जी होती है, वास्तव में वो आत्मिक एनर्जी होती है, उसकी हम पावर लेते हैं, हम आत्मा को शक्तिशाली बनाते हैं और फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली जो भी हम संकल्प क्रिएट करेंगे वो शक्तिशाली होगी। ये समझ में आई बात? ये अभ्यास के बिना आपके संकल्प या विचार शक्तिशाली नहीं रह सकते हैं लंबे समय के लिए। थोड़े समय के लिए आप बातें करते रहेंगे
लेकिन आपको कॉन्स्टेंट पीस चाहिए ना, आपको सिर्फ एक दो घंटे के लिए नहीं चाहिए ना, या एक दो मिनट के लिए नहीं चाहिए ना। तो इसीलिए ये जो मेडिटेशन का अभ्यास है कि हम बैठ करके इस देह से डिटैच न्यारे होते हैं, ये कौन सी एनर्जी इस शरीर को चलाती है, एक बहुत प्योर पवित्र एनर्जी है, ये ब्रुकुटी के बीच में बैठी हुई आत्मा है। तो जब ये वो फीलिंग्स हम क्रिएट करते हैं, मैं कैसी आत्मा हूं, मुझ आत्मा में शांति भरी हुई है, मैं एक शांत चित आत्मा हूं, और उस शांति से जब वो स्मृति आती है कि मैं कौन हूं इस शरीर के पीछे, मैं कौन हूं इस शरीर को चलाने वाली, उस शक्ति में शांति भरी हुई होती है, प्रेम भरा हुआ होता है, ज्ञान भरा हुआ होता है। तो मेडिटेशन द्वारा हमको ये शक्ति को बढ़ाना है। देखो, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन गुण लायक बने, एक धारणा स्वरूप हम बने हमारे जीवन में, धीरता हो, सहनशीलता हो, कहते हैं ना इंग्लिश में पेशेंस हो, टॉलरेंस हो, लेकिन पेशेंस के पीछे एक पीस की एनर्जी होती है, धीरता के पीछे शांति की एनर्जी होती है। हम सब कुछ शांति से काम लेते हैं, इसलिए हम धैर्य होते हैं, सही बात है ना। तो जब तक आपने वो शांति की शक्ति जागृत नहीं की है, तो आप धैर्य भी नहीं बन पाएंगे। और सहनशीलता का गुण, उसके पीछे एक प्रेम भावना होती है। तो खुद में वो प्रेम भावना जागृत करनी है, मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। और जब वो प्रेम भावना जागृत होती है, तो ऑटोमेटिकली वो सहनशीलता का गुण आता है, क्योंकि आपके पास एक खजाना है देने के लिए। तो मेडिटेशन का काम ये है, जो हमको खुद, हमने हमारे जो खजाने हैं उसको जागृत करने हैं, और फिर ऑटोमेटिकली हमारे जो संकल्प और विचार है, वो जैसे वो एनर्जी का स्वरूप ले लेती है। प्रेम की भावना होती है तो फिर एक संकल्प प्रेम का स्वरूप बन जाता है, ऑटोमेटिक, हमको ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। तो इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हम हमारे विचार या संकल्प के ऊपर ध्यान रखें, थोड़ा धीरज से काम लेवे। देखो, मन की बात जब आती है तो मन को दो बातें चाहिए, एक संबंध, कहते हैं ना रिलेशनशिप की भावना, दूसरा कर्तव्य, माना इसको कुछ काम देना है। आप मन को काम नहीं देंगे तो वो अपने आप चंचल होकर के भटकता रहेगा, ये होता है मन के साथ। तो दो बात चाहिए, एक संबंध चाहिए, दूसरा एक कर्तव्य चाहिए। तो जब संबंध की बात आती है तो इसमें एक बहुत अच्छी बात आती है कि हम परमपिता परमात्मा के साथ सर्व संबंध रखें। चलो, आपको संबंध की भासना चाहिए तो परमात्मा को बच्चा बना दो, एक इतना मीठा प्योर बच्चा है वो। आपको माँ की भासना चाहिए तो परमपिता को माँ बना दो, वो बाप तो है ही, उसको फ्रेंड बना दो, उसको कंपेनियन बना दो। आपको जो भी संबंध चाहिए वो आपको इस परमात्मा द्वारा भासना मिलेंगी, क्योंकि वो सर्व आत्माओं का माता है, पिता है, बंधु है, सखा है। तो ये भी एक मेडिटेशन का एक कंपोनेंट होता है कि एक है हम सिर्फ आत्मा की एनर्जी को जागृत करते हैं, लेकिन दूसरे तरफ से हम परमात्मा के साथ सर्व संबंध रखने से हमको भी एनर्जी मिलती है। नहीं, माँ का जब संबंध होता है तो माँ से क्या मिलता है, प्यार मिलता है ना, एक्सेप्टेंस। माँ जैसे भी बच्चा होता है, माँ स्वीकार कर लेती है ना अपने गोद में,
ये माँ की विशेषता है ना। बाप के साथ संबंध रखेंगे तो कौन सी फीलिंग आती है? सिक्योरिटी की, कोई है रक्षा करने वाला, तो वो एनर्जी आत्मा को मिलती है। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हर रोज आप इस पर प्रयोग करो, कहीं ना कहीं संबंध की भासना ले लो, तो उसमें से ऑटोमेटिक आपको प्यार की शक्ति, सिक्योरिटी की शक्ति, रक्षा करने की शक्ति, वो प्रेम शांति की शक्ति मिलेंगी। दूसरे साइड से मन को कर्तव्य चाहिए, उसको आप फ्री रखेंगे ना, ओम शांति, वो पूरा आपको ही बर्बाद करके बैठ जाएगा। ये मन की एक दूसरी विशेषता होती है। इसलिए मन को एक जॉब चाहिए, मन को कभी फ्री नहीं रखना है, कई न कई कर्तव्य में, अच्छे कर्तव्य में उसको बिजी रखो। ये बहुत जरूरी है। क्या है, हम कुछ काम करते हैं तो वो थोड़े समय के लिए मानसिक वो ध्यान रहता है, फोकस रहता है ना, फोकस रहता है, अच्छा काम किया, फिर काम पूरा मन को छोड़ दिया, ये नहीं होना चाहिए। तो छोटे छोटे जैसे प्रयोग करो, कुछ लिखो, कुछ पढ़ो, कुछ ऐसे टॉपिक लेकर के विचार करो, किसी को मदद करो, जो भी कुछ हो, कुछ गाओ, कुछ गीत गाओ, अच्छे गीत गाओ, कुछ नाचो, क्योंकि मन को बहलाना होता है। एक छोटा बच्चा होता है, जल्दी बोर हो जाता है, उसको वैरायटी चाहिए। हमको पता है, कभी कभी आप सुबह के टाइम उठते हैं, मूड ठीक नहीं होता है तो क्या करते हैं, सो जाते हैं वापस में, लेकिन सोने से फायदा भी नहीं मिलता है और ज्यादा मूड खराब रहता है। उठो, एनर्जी बदलो, ये एनर्जी की बात ही होती है, बड़ी बात नहीं होती है, सिर्फ एनर्जी परिवर्तन करना है ना। कुछ अच्छा गीत बजाओ, वो गीत के शब्द सुन करके मन अच्छा हो जाएगा। कुछ थोड़ा डांस करो, अपने आप को बहलाओ, जैसे आप छोटे बच्चे को बहलाते हो ना। छोटा बच्चा रोता है तो क्या करते हैं, मम्मी उठा करके इसको थोड़ा बहलाएंगी, हाथ पकड़ेंगी, तो खुद के साथ भी ऐसा करना होता है। आप अपने ऊपर अपने आप को छोड़ो नहीं, या वो जो उदासी की फीलिंग आती है उसमें ज्यादा से जाओ नहीं, उसके अंदर आज मैं उदास हूं, मैं क्या करूं, मैं कैसे आगे बढ़ू, ऐसे संकल्प नहीं सोचो, क्योंकि वो उस फीलिंग में जाएंगे ना तो और ही आपके संकल्प कमजोर होते जाएंगे। ये सिर्फ एनर्जी है, उसको सिर्फ जल्दी परिवर्तन करना है, बस कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। हमारे जीवन में हमने एक बात का बहुत फायदा लिया है, एक्चुअली दो बातें का। एक है पास्ट इज पास्ट, जो बात हो गई है, जो बीती बात हो गई है, इसको अभी टच नहीं करना है। कुछ भी हुआ है हमारे जिंदगी में, होता रहता है, हम कांटों के जंगल में रह रहे हैं, कांटों तो चुगेंगे ना, ऐसे थोड़ी कि हम कांटों को ब्लेम करेंगे। हमारा काम है हमारा रास्ता ढूंढना। हम हमारा पैर ऐसे धीरे से रखा जाए ताकि कांटे नहीं हमको दुख देवे, ये हमारा काम है। कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा, अभी हम उसको पकड़ के लेकर के अभी के समय अनुसार उसके ऊपर ज्यादा विचार करेंगे तो वो भी हमारी पूरी शक्ति को खत्म कर लेता है। मैं कहती हूं अभी के समय अनुसार 80% की जो मनुष्य की बीमारी है क्योंकि वो पास्ट में जाते हैं, ये क्यों हुआ मेरे से, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, इसने क्यों मुझे ऐसे बोला, अरे छोड़ो ना, इसका किचरा है, आप क्यों ले रहे हैं, आपने जब आपके नो एंट्री साइन डाल दी है, नो एंट्री माना नो एंट्री, जो भी कुछ हुआ उसके कर्म उसको ही भोगना पड़ेगा ना, तो आप क्यों बीच में अपसेट हो जा रहे हैं। ये सिंपल बात है, बीती सो बीती, पास्ट इज पास्ट, ये एक लॉ है, आध्यात्मिक लॉ है, और इस लॉ को, कायदे को आप मानेंगे नहीं तो आप दुखी ही रहेंगे, क्योंकि मैं समझती हूं आपका जो दुख भरा हुआ है वो अभी के समय अनुसार का दुख नहीं है, पास्ट का है, और सिर्फ आपने अपने विचार को पास्ट में ले जाने के कारण आपने और ही आपकी दुख शुरू से ऐसे सुई माफक थी,
लेकिन उसके ऊपर विचार करते 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 एक पहाड़ जैसा दुख का अनुभव हो गया है, और आप उस पहाड़ के ऊपर बैठे हो और अंदर से संकल्प आ रहा है, अभी मैं क्या करूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं। राइट बात है ना? आप जब बात को देखेंगे तो बात एक्चुअली रियलिटी में छोटी होती है, हम सोचने से उस बात को बढ़ाते हैं और हम खुद हमारे संकल्पों के जाल में फंस जाते हैं। फिर क्या कहते हैं, भगवान को कहते हैं मुझे छुड़ाओ, और भगवान क्या कहता है, अरे छोड़ो तो सही। ये बात है ना, छोड़ो तो छूटे। तो ये एक बात का बहुत ध्यान रखना होता है कि पास्ट इज पास्ट, इसको हाथ ही नहीं लगाना है। दूसरी बात ये है कि देखो, हमारे जीवन में हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन हम इसको अप्रिशिएट नहीं करते। देखो, एक व्यक्ति के साथ कम से कम इमीडिएटली आपके आमने सामने 10 या 20 ऐसे इंस्टेंट रिलेशनशिप्स है, व्यक्ति है, चाहे आपके माँ बाप, बहन बच्चे, हर एक आत्मा में कोई ना कोई विशेषता तो है, अच्छाई तो है इसमें। अच्छा, मैंने बैठ करके उस अच्छाई को देखा है क्या, उसको अप्रिशिएट किया है क्या, मैंने कम से कम ये पुरुषार्थ किया है, मेरे लाइफ में मुझे जो कुछ प्राप्ति हुई है मैंने बैठ करके उसको देखा है कि मुझे क्या मिला है जीवन में। हमारा फोकस क्या हुआ, हमको जो नहीं मिला है जीवन में, इसके पास जो कुछ है मेरे पास नहीं है, मुझे ये चीज चाहिए। लेकिन जो आपके हाथों में है, जो आपके गोद में है, वो आपको दिखाई नहीं दिया है। पर चिंतन के कारण, पर दर्शन के कारण आपके सामने जो खजाने हैं वो मिस हो जाते हैं, इसलिए अंदर से एक असंतुष्टता की फीलिंग पैदा होती है। ये जो अप्रिशिएशन का जो गुण है, माना अच्छाई देखना, किस बात को अप्रिशिएट, वैल्यू करना, आप खुद की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, आप खुद का सम्मान को बढ़ा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रिशिएशन से बहुत हीलिंग होती है, जो दिल में जो दुख भरा हुआ होता है वो खत्म होता है, फिजिकल बीमारियां भी ठीक होती है इससे। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। हमारे एक देश में, नॉर्थ अमेरिका में एक देश है, और वो देश का नाम है अलास्का। तो वहां से एक हमारी एक कॉन्टैक्ट बहन थी, तो ये बहन हमारे लंदन में, जो हमारा ऑक्सफोर्ड में रिट्रीट सेंटर है, तो वहां पर साल में एक बारी आती थी, 2-3 वीक के लिए अपनी खुद की रिट्रीट करने के लिए आती थी। तो हमने उस बहन को शायद 4 या ऐसे 3-4 साल के लिए हमने उसको देखा नहीं, तो हमने सोचा कहाँ गई है वो बहन। हर साल उसका टाइम फिक्स्ड था आने का, लेकिन ऐसे 3-4 साल बीते जो वो आई नहीं। और फिर जब वो आई तो उसके हाथ में लकड़ी थी और वो ठीक जैसे चल नहीं पा रही थी। तो फिर हमने पूछा इसको कि बहन, हमने आपको मिस किया, इतने सालों से आप कहाँ थे। तो फिर उन्होंने हमको एक कहानी बताई कि 3 साल पहले जब वो अपने घर के बाहर जा रही थी और ऐसे गाड़ी का दरवाज़ा खोल रही थी, तो पीछे से कोई आकर के एक चाकू लेकर के यहाँ पे 7 बारी उसको मारा गया था, और इतना उसको चोट लगा यहाँ पे नेक में, शोल्डर पे, बैक पे, 7 बारी उसको लगा कि जब वो हॉस्पिटल, वो तो बेहोश हो गई थी, और जब वो हॉस्पिटल में उठी तो यहां गर्दन से लेकर के पैर तक वो कुछ इसको फीलिंग नहीं, कुछ नहीं, वो सिर्फ ऐसे जैसे एक अंगुली उठा सकती थी और आंखें ऐसे और मुंह थोड़ा कुछ बोल सकती थी, बाकी शरीर में और कुछ फीलिंग नहीं। अभी आप सोचो इस हालत में पहला स्टेज क्या था, शॉक, मुझे क्या हुआ, बिल्कुल ऐसे जैसे शॉक, फिर घबराहट, अभी क्या होने वाला है, फिर गुस्सा, मेरे साथ ऐसा, मेरा नसीब कैसा है जो मुझे साथ ऐसा हुआ। तो बिचारी को
फिजियोथेरेपी कराते थे, डॉक्टर सब कुछ, इतने 3 डॉक्टर्स लगे पड़े उसके पीछे, फिजियोथेरेपी के डॉक्टर, ऑस्टियोपैथ के डॉक्टर, उसको हाथ पाओ ऐसे मसल्स को जागृत कराने के लिए। लेकिन उस 6 मास में बहुत स्लो इम्प्रूवमेंट, बहुत धीरे धीरे से, और उसको भी जैसे होप नहीं था कि मैं कभी चल नहीं पाऊंगी। फिर 6 मास के बाद जो आसपास में जहाँ जिस गांव में रहती है वो जो आदिवासी होते हैं ना, ट्राइब्स होते हैं, उनको हम चीफ्स कहते, तो एक आदिवासी का चीफ आया उसको मिलने के लिए। तो वो शाम को आया और उसने सिर्फ एक काम इसको दिया कि बहन, आपको ठीक होना है तो आपको इस बात को मंजूर करना पड़ेगा, इस अभ्यास को 3 मास के लिए चलाना पड़ेगा। तो बहन ने पूछा, मैंने सब कुछ ट्राई किया है, अभी आप बताओ कौन सा अभ्यास मुझे करना है। तो इस चीफ ने ये बताया कि आपको हर रोज 10 बातें लिखनी है जो आपको अपने जीवन में अप्रिशिएट करते हो, 10 बातें ऐसे लिखने हैं। आपके जीवन में जो भी है, आप क्या अप्रिशिएट करते हो, ऐसे 10 बातें लिखनी है 3 मास के लिए। अभी वो पहले मास में तो लिख नहीं पाती थी ना, कुछ काम नहीं करता था, तो किसी और द्वारा वो बोलती थी, वो बाजू में जो फ्रेंड थी वो लिखती थी। तो धीरे धीरे उसने बताया कि वो अभ्यास से जैसे दिल की एनर्जी वापस आई, उसको अंदर से लगा होप है, उसको एनर्जी वापस आई, होप की, पॉजिटिविटी की, कि हाँ मेरे में शक्ति है, मैं ये कर सकती हूँ। और जब ही वो संकल्प पैदा हुआ कि ये मैं कर सकती हूँ, उसके बाद जो फिजियोथेरेपी कर रही थी ना, उसका असर लगना पड़ा। वेरी इंटरेस्टिंग कनेक्शन इसका, देखो। और 3 मास से उसने पूरा कंप्लीट प्रोग्राम किया, 3 मास से हर शाम को 10 बातें लिख कि इस 10 बातें को, कौन सी बातें मेरे जीवन में हैं जो मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ। और उसको हिम्मत वापस आए, पॉजिटिव एनर्जी वापस आए, होप वापस आए, ताकि वो फिजियोथेरेपी का असर शुरू हो गया उसके ऊपर। और उसको 1 साल लगा, लेकिन पैर पे खड़ी हो गई। देखो, ये एक शक्ति होती है। हम सोचते हैं हमारा स्वमान हमको बाहर से मिलेगा। अरे आप कौन से शॉप पे जाएंगे स्वमान के लिए? स्वमान शब्द ऐसा ही है कि स्व को मान देना है, खुद को ही मान देना है। तो खुद की वैल्यू कैसे बढ़ती है? जब हम खुद को अप्रिशिएट करते हैं, हमारी गुण को अप्रिशिएट करते हैं, हम दूसरे के गुण को अप्रिशिएट करते हैं, इसकी एनर्जी बहुत अच्छी बनती है। और आपको बिल्कुल जैसे आप एनर्जाइज्ड हो जाएंगे, आपको किस कई बात में कमी नहीं होगी, एक स्वमान की एक बहुत अच्छी फीलिंग आएंगी। बाहर की दुनिया स्वमान क्या, किसको माना जाता है? अभिमान को, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे पास इतने टैलेंट्स हैं, मेरे पास इतने स्किल्स हैं, मेरे पास इतने क्वालिफिकेशंस हैं, क्या इसको स्वमान कहेंगे? ये तो जैसे बाहर का एक रूप है, लेकिन बिल्कुल पतला है, इसके पीछे कुछ एनर्जी नहीं है। ये एक जैसे टेम्पररी कुछ जो सपोर्ट लेते हैं ना, वही है। बाकी रियल स्वमान एक बहुत अच्छी एनर्जी होती है, आत्मा की एक एनर्जी, अच्छाई, श्रेष्ठ गुणों की एनर्जी होती है। तो ये जो अप्रिशिएशन का जो गुण है, वो सारे सब गुणों लेकर के आएंगे आपके जीवन में। तो ये 2 बातें आपको जरूर ध्यान में रखा जाए कि एक, पास्ट इज पास्ट, पीछे की बातों को आप टच नहीं करो, क्योंकि आप जितना पीछे की बातें की टच करेंगे तो वही सिचुएशन बार बार आपके सामने रिपीट हो जाएंगी। क्योंकि संकल्प ऐसी चीज होती है, समझो हम शब्द से आपको बोल रहे हैं, आपको सुनाई दे रहे हैं ना स्पीकर द्वारा, मैं बोल रही हूं आपको सुनाई दे रहा है, तो हमारे संकल्प भी एक साउंड, एक आवाज करता है, वाइब्रेशन भेजता है दुनिया में, और वो वाइब्रेशन द्वारा आपके जीवन में सिचुएशन बनते हैं।
क्योंकि आध्यात्मिकता में एक दूसरा कायदा होता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. जैसे आपके वाइब्रेशन होंगे वैसे आपको रिटर्न में वो ही मिलेगा. इसीलिए संकल्प के जो वाइब्रेशंस होते हैं वो जैसे एक आवाज फैलता है दुनिया में. हम सोचते हैं कि कोई हमारा संकल्प देख नहीं सकता है, फील तो जरूर कर सकता है क्योंकि एक वाइब्रेशन होता है. तो इसीलिए आपको एक अच्छा जीवन जीना है तो आप जरूर इस बात पे बहुत ध्यान रखेंगे कि मेरे संकल्प के वाइब्रेशंस कौन से वाइब्रेशंस में दुनिया में फैला रही हैं. हम तो अभी के समय अनुसार हमारी प्यारी जो दादी जी है अभी 101 उनकी उम्र हुई है, आयु हुई है. क्यों इतनी आयु, कैसे एक आत्मा ऐसी आयु तक पहुंच सके? क्योंकि उसने अपनी मनसा शक्ति को न सिर्फ पॉजिटिव रखा है लेकिन श्रेष्ठ रखा है. और वो श्रेष्ठता परमपिता परमात्मा के साथ संबंध रखने से वो श्रेष्ठता आई है. तो आप सभी के लिए ये एक बहुत ही अच्छा मौका है, अपॉर्चुनिटी है, टाइम है अपने लिए. आपको तो बाहर की दुनिया में तो टाइम मिलता ही नहीं है ना, तो ये आपके लिए टाइम है ताकि आप अपनी मन की या दिल की सफाई कीजिए. जो भी है मन या दिल में उसको यहाँ ही छोड़ के जाना है, वापस नहीं ले जाना है. ठीक है, तो मंजूर है? हाँ, अच्छा. तो ऐसे विचार लेकर के अभी हम समाप्ति करेंगे और चलो हम अभी 5 मिनट के लिए ऐसा अभ्यास करें जो हम आत्मा की शक्ति को जागृत करें और परमपिता परमात्मा से शक्ति लेने.